नहीं सीधा सीधा सीधा। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अभी कोटा से झालावाड़ आए हैं और हमारे साथ वो हमारे चिर परिचित एक मजेदार शख्सियत जिसको मैं कई बार मिला चुका हूँ आपसे और जिनका नाम आपको पता है क्या है, बनवारी लाल बैरवा। दोस्तों एक कोटा से आए देखिए, और जहाँ हम लोगों के पास बहाने होते हैं ना, अब देखिए कोटा से झालावाड़ 90 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं, ट्रेनिंग मीटिंग अपने ग्रुप को संभाले हैं दोस्तों। और ये आप और हमारे लिए क्या ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि बनवारी लाल बैरवा ये कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर दिमाग में जुनून है ना, शरीर में तो है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर दिमाग में अगर कुछ सोचने का जज्बा है और अगर कुछ सोचा हुआ है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और इस शख्स के पास आज की तारीख में 530 लोगों का नेटवर्क है मोदीगर में ज्वाइनिंग है ना। तो अगर ये भी सोच रहे थे कि यार कहाँ मैं झालावाड़ जाऊँगा, कहाँ देखिए दूसरी मंजिल पे आऊँगा, ये देखिए आप। और अब इनकी ज़िंदगी में चमत्कार ये हुआ है, चलो चलो, कि सैकड़ों हजारों लोग इनके लिए ताली बजाते हैं। क्या दोस्तों ये आज आम जिंदगी में संभव था? ये है वो शख्स जिसकी वजह से हमारा भी नाम हुआ है। और आप देखिए ये इस तरह से शशि वाला जी इनको ले आया आज आपके लिए, है ना। बनवारी जी का आना बहुत बड़ी बात है। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए फिर बात करते हैं, मीटिंग करेंगे 12:15-12:30, उसके बाद बात करेंगे। थैंक यू। शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होता है, वो मानसिक रूप से विकलांग होता है। अगर आदमी का पूरा शरीर सही है और उसका अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा। यस, ठीक है। अगर 250 ग्राम का खोपड़ा भगवान ने देके भेजा है, ये सही है, पूरी बॉडी खराब है ना, तब भी वो अपना इतिहास रच चुका है। ऐसा हो चुका है। हमारे एक कंपनी के वो थे मालिक जी, जिनके पूरे बॉडी के अंदर पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, लेकिन आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं तो ये कहता हूँ कि अपन जो यहाँ सभी बैठे हैं ना, और हमारी जिंदगी में जो मोदी केयर आया है तो ऊपर वाले की नजर में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है। यस। क्या अगर इस प्लेटफॉर्म पे मिलने के बाद भी अगर आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपका तो भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात। अभी तो फिलहाल इतना ही, बाकी बात है। एक मिनट, मैं इनके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे साथ में, और हमारे अधिकारी साहब के साथ में ये कार मिलने वाली यहाँ से, लेकिन जब हम अभी गाड़ी में आ रहे थे तो याद है क्या बोल रहे थे कि सर एक बार क्या हुआ, मेरी बिटिया बोल दू सर घर का मामला आपको बोल रहा तो आपसे इजाजत लूंगा बोल, क्योंकि घर की बात है। तो मेरी जो बिटिया थी उनके जब ताऊजी कार लेके जा रहे थे, और जब बिटिया ने मेरी ने कहा कि ताऊजी मैं भी चलूंगी, तो ताऊजी का बेटा जगह नहीं है इसमें, आप रहने दो। और बिटिया ने मुझसे आगे कहा कि पापा हमें कार लेके आनी है। क्या कहा? पापा हमें कार लेके आनी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं जब बैठने लगूं तो मेरे लिए जगह भर जाए। और इस व्यवस्था में इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी हो जाए कार, जब अब इनके कार के सपने चलने लगे। यार जैसे कोई कार ले यार, ये वाली लू, ये वाली लू, ये वाली लू, ये वाली लू, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, और ये अपनी कार लेके आए। अब चलाना नहीं आती थी क्योंकि अच्छे अच्छों को नहीं आती, जिनके है उनको नहीं आती, और इन्होंने वो कार चलाना सीखी और वो आगे कार चलाते हैं और अपनी बेटी को उसमें घुमाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मोदी केयर से नहीं आई है वो, मोदी केयर से आएगी, मोदी केयर बाद में देने के। लेकिन इन्होंने इसके न होने के बाद भी कार चलाने का संकल्प लिया अपनी बेटी के लिए, और वो कार चलाते हैं। ये इनका कार चलाते हुए वीडियो डाल देना, पड़ा हुआ किसी के पास आगे बात है ना सर। तो इनके लिए अब मैं कहना चाहूंगा, होते हैं जिसमें हौसले पाते हैं वही रास्ते, और दुनिया नहीं है दोस्तों बुद्धिनों के रास्ते। एक चीज और मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, वो है मत देखो दोस्तों हाथ की लकीरों को, मत देखो हाथ की लकीरों को, उनमें तकदीर नहीं होती। और क्या जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं होती? बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार लेता हूँ।